26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली की आड़ में जो कुछ हुआ उसकी जांच में दिल्ली पुलिस जुट गई है। जांच की दशा और दिशा हिंसा के बीच में ही तय कर ली गई। इसको लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। बैठक में स्पेशल सेल, इंटेलिजेंस, क्राइम ब्रांच और दिल्ली के तीनों जोन के स्पेशल पुलिस कमिश्नर भी मौजूद थे। इस बैठक में ये लगभग तय हो चुका है कि जांच के दौरान लाल किले पर झंडा फहराने वालों की कुंडली सबसे पहले खंगाली जाए। हिंसा की जड़ तक पहुंचने के लिए दिल्ली पुलिस और देश की हुकूमत के बीच यही तुरप का पत्ता होगा। दिल्ली पुलिस मुख्यालय सूत्रों ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर TV9 भारतवर्ष को एक्सक्लूसिव बातचीत में जो इशारे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। अगर इस पुलिस सूत्र की बात में दम है तो सबसे पहले पुलिस की जांच का केंद्र बिंदु हिंसा के बीच लाल किले में पहुंचकर वहां 2-3 झंडे फहराने वाले कौन थे इसका पता लगाया जा रहा है, ताकि संभव हो सके कि हिंसा की जड़ कहीं इन झंडों की आड़ में ही न छिपी मिल जाए। दिल्ली पुलिस और देश की खुफिया एजेंसियों के पास इस ट्रैक्टर रैली में हिंसा संबंधी सूचनाएं पहले से मौजूद थी और वही हुआ जिसकी खुफिया जानकारी पहले मिल चुकी थी। दिल्ली पुलिस को रविवार को वायदा किया गया था कि रैली शांतिपूर्ण ढंग से निकलेगी, रैली में कोई हिंसा नहीं होगी, जबकि मंगलवार को दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर रैली में शामिल हजारों उपद्रवियों ने जो तांडव मचाया उसे देखकर हिंदुस्तानी हुकूमत और दिल्ली पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए हैं। दिल्ली पुलिस की शाखाएं शुरुआती जांच एक साथ करेंगी ताकि एक दूसरे से जुड़ी जानकारियां शेयर करके सबको अपना अपना काम सौंप दिया जाए। जब सबूत इकट्ठे हो जाएंगे तब पुलिस अपने असली और विराट रूप में आएगी, मतलब सबूत मिलने के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। ट्रैक्टर रैली में खूनी हिंसा पर उतरे उपद्रवियों की पहचान की जाएगी। जब पहचान हो जाएगी तब दिल्ली पुलिस मुख्यालय स्पेशल सेल या क्राइम ब्रांच में जिसे भी आगे की तफ्तीश देगा वो जांच को अदालत में पहुंच जाएगा। दिल्ली पुलिस मुख्यालय से TV9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस मंगलवार की ट्रैक्टर रैली हिंसा में अपने जख्मी उन जवानों को भी गवाह बना रही है जिन्होंने मौत को अपने करीब से देखा है। अब गेंद दिल्ली पुलिस और हिंदुस्तानी हुकूमत के पाले में है। ये दोनों अब कानूनी रूप से खेलना शुरू करेंगे। जब हुकूमत कानूनी पंजे में आरोपियों को कसेगी तो वो उपद्रवियों को बेहद महंगा पड़ेगा। इस बार गणतंत्र दिवस परेड के लिए 10 फोटोग्राफर, 10 वीडियोग्राफर बाहर से भी हायर किए गए थे। इन सबसे भी फोटो और वीडियो फुटेज मांगी गई है। इसके पीछे पुलिस की मंशा है कि शायद इन लोगों के पास मौजूद फुटेज या फोटो से जांच में कुछ सबूत हासिल हो सके। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।